हेलो दोस्तों, टेक्निक यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। हम देखते हैं कि हमारे एमएस ऑफिस 2007 में एक फीचर होता है पिक्चर इमेज व्यूअर का। उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो इमेज होती है उसको एडिट कर सकते हैं। बट ये वाला जो फीचर होता है ये हमें 2013 एमएस ऑफिस 16 19 इनमें नहीं मिलता है। तो उसको हम एडिशनल कैसे इंस्टॉल करेंगे वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अपने स्टार्ट बटन पे जाके आपको दिखाता हूं कि मेरे पास जो एमएस ऑफिस है वो 2013 है और इसमें वो फीचर नहीं है पिक्चर इमेज व्यूअर वाला। तो मैं गूगल क्रोम पे जाता हूं और उसकी सर्चिंग बार में लिखता हूँ www.technic.xyz। उसके बाद एंटर करता हूँ। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे सर्च बटन पर क्लिक कर आपको यहाँ पे पिक्चर लिखना है, उसके बाद एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखेंगे हाउ टू इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर। इसको ओपन कीजिए और यहाँ सबसे नीचे आ जाइए। नीचे आने पे आप देखेंगे यहाँ पे दो वर्जन है, 64 बिट और 32 बिट। तो आप अपने विंडोज़ के अकॉर्डिंग 64 बिट और 32 बिट डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा 64 बिट है तो मैं 64 बिट डाउनलोड करता हूँ। अब मैं डाउनलोड नाउ करूँगा। जैसे ही डाउनलोड नाउ करोगे आपकी फाइल ऑटोमेटिक डाउनलोड होने लग जाएगी। अगर ये फाइल ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होती है तो आप यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड मैनुअली पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद मैं इसे डबल क्लिक करके रन करता हूं। अब मैं आई एक्सेप्ट करके कंटिन्यू करता हूं। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद अब इसे क्लोज कर दीजिए। आप स्टार्ट बटन पर जाएं और पिक्चर इमेज टाइप करके उसे ओपन कीजिए तो आप देख पाएंगे कि ये जो फीचर है आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एमएस ऑफिस 2010 ही हो, 2013, 16, 19 ये सब में वर्क करेगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो इस प्रॉब्लम से परेशान है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। Thank you so much, friends.